हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू केरलास रसोई। आज का मेरा रेसिपी है सांभर वड़ा। इतना टेस्टी सांभर वड़ा आप कभी नहीं देखा होगा, आप भी ज़रूर ट्राई करके देखिएगा। अभी चलते हैं हम वीडियो में। ये उड़द की दाल है, इसको हम 5 घंटे भिगोने के लिए पानी में अच्छे से धो के रखा था। अभी जो पानी में ये अच्छे से सॉफ्ट हो गया, फिर इसको पानी में से निकाल के इसे पानी छोड़ने के लिए 10 मिनट रखना है। इसको पीसने के लिए बिल्कुल पानी नहीं चाहिए, ऐसे इसको पीस सकते हैं। देखिए इतना सॉफ्ट पीसना है, अच्छे से फ्लफी पीसने के लिए अगर मिक्सी में चाहिए तो थोड़ा सा एक हाथ में थोड़ा सा चम्मच का ही पानी देना है। ज़्यादा पानी होने से बड़ा अच्छा शेप में नहीं आएगा। अभी थोड़ा थोड़ा करके पूरा पीस दिया, फिर उसमें डाल दिया नमक। अभी ये डाल रही है प्याज को छोटा छोटा काट के। इसके बाद अदरक चाहिए, अदरक भी पतला सा काट के डाल देना। फिर इसके बाद हरी मिर्ची और कड़ी पत्ते, ये सब डाल के इसको अच्छे से मिक्स करना, तभी ये नमक अच्छा मिक्स हो जाएगा। और इतना अच्छा मिक्स करने से ये वड़ा ज़्यादा सॉफ्ट ही होगा। ये हाथ से ही मिक्स करना, तभी वड़ा अच्छा सॉफ्ट होगा और फ्लफी होगा ये बैटर। फिर इसमें वड़ा अच्छा क्रिस्पी होने से लिए मैं इसी में डाल दिया 1 चम्मच के लिए चावल का पाउडर। अभी हमारा वड़ा बैटर रेडी है। अभी हम बनाएंगे सांभर। सांभर के लिए मैं इधर 1 कप अरहर का दाल यूज़ किया, उसको थोड़ी देर भिगोने के लिए रखना। इसके बाद अच्छे से वाश करके कुकर में डाल देना। और साथ में मैं डाल रहे 2 प्याज ऐसे छोटा सा काट के और 3 टमाटर। बराबर से पानी दिया और साथ में देना है नमक और थोड़ा सा हल्दी डाल के इसके अच्छे से बॉईल कर दिया। ठीक है, अभी अच्छे से बॉईल हो गया, पक गया अच्छे से। फिर इसको इसे थोड़ा सा अच्छे से प्रेस करके फिर हम इसमें तड़का डालें। तड़के के लिए मैं थोड़ा सा 1 चम्मच तेल दिया, तेल गर्म होते ही लाल मिर्च और सरसों देना। सरसों छिड़क दिया, इसी से हम मसाला को थोड़ा सा गर्म कर लेंगे। मैं डाल दिया हल्दी का पाउडर 1 चम्मच और लाल मिर्ची का पाउडर 2 चम्मच और चाहिए धनिया का पाउडर, धनिया पाउडर भी 2 चम्मच चाहिए और मेथी चाहिए 1/2 चम्मच, मेथी का पाउडर है 1/2 चम्मच और हींग है, हींग 1/2 चम्मच। फिर इसको अच्छे से मिक्स कर लेना तेल में ही। फिर इसका ऊपर से जो पका के रखा था दाल प्याज और टमाटो का मिक्सचर इसमें डाल दीजिए। और ये इमली है, इमली 10 मिनट पहले ही भिगोने के लिए पानी में डाल के रखा था। फिर इसको ऐसे प्रेस करके इसका पल्प निकाल देना। ये वड़ा के साथ सांभर है, वो थोड़ा सा खट्टा ही चाहिए, इसलिए इमली दिया। फिर इसको अच्छे से उबलाना है। अगर पानी चाहिए तो ज़्यादा आपको पानी डाल सकते हैं। फिर इसके बाद देना है कड़ी पत्ते, कड़ी पत्ते भी देके अच्छे से मिक्स कर लीजिए। अभी सांभर अच्छे से उबल आने लगा, इसी टाइम थोड़ा सा धनिया पत्ता भी डाल के फिर थोड़ा टेस्ट अच्छा आने के लिए मैं इधर थोड़ा सा चुटकी सी हींग का पाउडर भी दिया। फिर हमें बंद कर सकते हैं स्टोव। अभी हमारा सांभर रेडी है। फिर हम बड़ा बनाने की तैयारी में है। बड़ा बनाने के लिए स्टोव में अभी तेल रख दिया।
तेल गरम होना है, अच्छे से गरम हो गया। अच्छे से गरम होने के बाद बिल्कुल कम करके फ्लेम रखना है, नहीं तो वड़ा जल्दी पक अंदर से फ्राई नहीं होगा और बाहर से फ्राई हो जाएगा। फिर हाथ में मैं थोड़ा सा पानी दोनों हाथ में लगाया और वड़ा का बैटर ऐसे थोड़ा करके हाथ में देके ऐसे थोड़ा सा शेप देना, उंगली से इसे होल्ड दिया, हो गया वड़े के शेप। फिर इसको सीधे गरम तेल में डालना, बस हो गया। बिल्कुल सिम करके रखना, फिर थोड़ी 2 मिनट के बाद इसको पलट के देना। फिर अभी हमारा वड़ा रेडी हो गया। अच्छे से फ्राई होने के बाद निकाल दीजिए। अभी वड़ा अच्छा फ्राई हो गया, फिर हम सांभर वड़ा सर्व कर लेंगे। इतना क्रिस्पी वड़ा रेडी है। अभी वड़ा सांभर के साथ कैसे खाएं देखिए। अभी वड़ा एक प्लेट में रख दिया ऊपर से, फिर इसको पानी में डालने का जरूरी नहीं है, सांभर से ही ये अच्छा सॉफ्ट हो जाएगा। सांभर ऊपर से ऐसे डाल दीजिए, इतना सॉफ्ट ही टेस्टी। एक बार आप खाने से बार बार ऐसे बना के खा लेंगे। 2 मिनट के बाद ऐसे प्रेस करके निकाल दीजिए। अभी वड़ा अच्छा सॉफ्ट हो गया और वाओ इतना टेस्टी सांभर वड़ा रेडी है। आप भी जरूर ट्राई करके देखिएगा। अगर मेरा रेसिपी अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल में आप नया आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर से मिलते हैं हम अगले वीडियो के साथ।